आसमानों से झांकते तुमने कई सदियां गुजार दी, अब धरती को बना लो अपना धाम, अब घर आ जाओ राम, घर आ जाओ। हमने रख दी है भवन की आधारशिला उसी अयोध्या में, जहां तुमने जन्म लिया, तुमको देवत्व मिला, घर आ जाओ राम, घर आ जाओ। अब तुम बेघर नहीं रहे, सरजू के तट फिर से तुम्हारे हुए, अवध के खेत खलिहान पोखर पनघट फिर से तुम्हारे हुए। पधारो अपने निवास में और क्षमा कर दो ओ हमारी भूल जो अंकित है इतिहास में, हमने अपने स्वार्थ की राजनीति में तेरे नाम को भी नहीं छोड़ा, बदनाम कर दिया तुझे, फिर भी तूने पूरी सृष्टि को उजाले में रखा। कैकेयी ने तो सिर्फ 14 वर्ष का वनवास दिया था, और हमने तो तुमको धर्मों में बांट कर रखा, और तुम्हें बांट कर हमें मिला क्या? एक ऐसी दुनिया जहां खुली हवा में भी दम घुटे। आज मानवता अहिल्या की तरह पत्थर हो चुकी है राम, तुम आके पैरों से छू दो तो शायद जी उठे। तुम तो सूर्यवंशी हो, हमें याद है तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा साहस। न्याय के हाथ में धनुष था एक और काटने के लिए अन्याय के सर थे 10। हे महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम इक्ष्वाकु कुलभूषण, तुम्हारे बिना फीकी है अवध की शाम, अब घर आ जाओ राम। हम वचन देते हैं तन मन प्रण से कि तुम्हारा घर बनाएंगे बड़े शौक और बड़ी शान से। दीवारें इतनी मजबूत कि भेदभाव का रावण भेद न पाए, दरवाजे इतने ऊंचे कि ऊंच नीच के दानों से लांघा न जाए। तुम्हारी शयन कक्ष वहां होगा जहां किसी बेवस की पुकार और सिसकियां नींद में भी सुनाई दे, और तुम्हारी छत इतनी खुली होगी कि तीज का चंद्रमा और ईद का चांद दोनों दिखाई दे। तुम्हारे खिड़कियों पर बैठे परिंदे दोहराएंगे विश्व शांति के सरगम, और महल के प्रवेश द्वार पर लिखा होगा वसुधैव कुटुंबकम। एक आंगन भी होगा जहां बैठकर गाए जाएंगे भजन और कीर्तन, और खड़े होकर जन गण मन। तुम्हारे प्राचीरों से जलती मसाले मौन घोषणा करेंगी कि अब कहीं कमजोर का छप्पर फूका न जाए। सीता की रसोई भरी होगी अनाज और अनुराग से ताकि राम के चौखट से कोई भूखा न जाए। अब और न सताओ धनुर्धर, अनगिनत केवटो सबरियों सीताओं को प्रतीक्षा है तुम्हारी, अब घर आ जाओ राम, अब घर आ जाओ।